इम्यून सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, और ये रिपोर्ट कार्ड में बताएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इम्यून सिस्टम का, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी की, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, किस बेहतर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन, भारी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, धूल मिट्टी, गंदगी, एलर्जन आते हैं, उनसे कितना बेहतर तरीके से हमारी बॉडी लड़ सकती है, वो कहलाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, बीमारियां कम से कम होंगी। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कमजोर हो जाएगा तो हमें हो सकते हैं बहुत तरह के अनेकों इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहला जो आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा लिम्फ नोड इंडेक्स। और अगर हम बात करें लिम्फ नोड इंडेक्स का, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि लिम्फ नोड क्या होती है, व्हाट आर लिम्फ नोड्स। तो ये वो नोड्स होती है जो हमारी बॉडी में जो भी डैमेज या डेड सेल्स हैं उनको ये बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, और बाहर निकालती है हमारी बॉडी से जो भी होती है कैंसर सेल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल खराब हो रही है, जो भी सेल डैमेज हो रही है या जो भी कैंसर सेल बन रही है उनको बाहर निकालता है लिम्फ नोड। तो अगर लिम्फ नोड का जो इंडेक्स है अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में डेड सेल्स की मात्रा बढ़ेगी, कैंसर सेल की मात्रा बढ़ेगी, और कैंसर प्रॉब्लम हमें हो सकता है, प्लस होगा लो इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी गंदगी उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर लिम्फ नोड कम होगा तो होगा लो डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी बॉडी में ज्यादा रहेगी, ज्यादा डेड सेल रहेंगी, उससे होगा हमारा हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव। लेकिन अगर लिम्फ नोड इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमेशा बढ़ा रहता है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद हो कैंसर का प्रॉब्लम। इसलिए जब कैंसर होता है तो जांच होता है या तो ESR का या लिम्फ नोड का। अगर लिम्फ नोड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है That might be a symptom of cancer problem, लेकिन अगर डाउन होगा तो भी होगा हमारा वीक इम्यून सिस्टम। और अगर हम बात करें सेकंड टेस्ट का जो यहाँ पे मिलता है वो है टॉन्सिल इम्यून सिस्टम, और टॉन्सिल होते हैं हमारे गले में, और ये होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी भारी पार्टिकल्स आएगा सबसे पहले उसका मुकाबला होगा हमारी स्किन से, उसके बाद उसका मुकाबला होता है हमारे टॉन्सिल से। तो जैसे ही कोई पार्टिकल हमारे मुंह के जरिए या नाकों के माध्यम से पहुंचता है हमारे गले में, टॉन्सिल्स में, तो वहां पे होता है उसका मुकाबला। और टॉन्सिल्स होते हैं वेरी रिच इन WBC, टॉन्सिल्स के अंदर होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो होते हैं हमारी बॉडी के फौजी, जो लड़ते हैं हर भारी पार्टिकल से। तो अगर किसी का टॉन्सिल इम्यून इंडेक्स डाउन होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम पूरा प्रभावित हो सकता है, होगा उसका लो इम्यूनिटी, उसको बार बार गले में इन्फेक्शन, गले में प्रॉब्लम, खराश, खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में कोई भारी पार्टिकल पैथोजन घुसता है तो उसका मुकाबला टॉन्सिल से होता है। तो जब टॉन्सिल और पैथोजन मिलते हैं तो होता है हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, और उससे क्या होता है, हो जाता है स्वेलिंग इन टॉन्सिल, यहाँ पे सूजन आ जाती है, और उससे क्या होता है कई बार चीजों को खाने में, निगलने में परेशानियां होती है। लेकिन अगर वो स्वेलिंग ना आए तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा नीचे पहुंचेगा और हो सकता है और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो टॉन्सिल्स है हमारा एक शानदार इम्यूनिटी का पार्ट, जो स्वेल हो जाती है, सूरिक सूजन आती है, बिकॉज वो लड़ता है पैथोजन से, और ताकि वो पैथोजन बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए उसमें आती है स्वेलिंग। तो अगर टॉन्सिल इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यूनिटी वीक होगा, इन्फेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का टॉन्सिल इम्यून सिस्टम अच्छा है, बेहतर है, नॉर्मल है, तो रहेगा बेहतर इम्यूनिटी। और कई बार क्या होता है, जब किसी को उस टाइम पे होता है टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम, होता है टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन, तो उससे भी टॉन्सिल इम्यून इंडेक्स की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ा हुआ है एंटीबॉडीज का, इसलिए उस टाइम पे दिखाएगा हाई लेवल ऑफ टॉन्सिल इम्यून सिस्टम। लेकिन नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल रहेगा तो हेल्दी इम्यून सिस्टम है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के टाइम पे आप जांच करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आएगा हाई लेवल ऑफ टॉन्सिल इम्यून सिस्टम। तीसरा यहाँ पे जो टेस्ट है वो है बोन मैरो इंडेक्स। और अगर हम बात करें बोन मैरो का, तो बोन मैरो क्या है,
बोन मैरो, सबसे पहले बात करते हैं होता कहाँ पे। हमारी जो भी बोन्स होती हैं, जो भी हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के सेंटर में होता है बोन मैरो। और ये बोन मैरो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि बोन मैरो बनाता है स्टेम सेल, और उन स्टेम सेल से बनती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो अगर किसी का बोन मैरो फंक्शन डाउन होगा, उसका एक्टिविटीज कम होगा, तो आरबीसीज कम बनेगी, डब्ल्यूबीसीज कम बनेगी और कम बनेगी प्लेटलेट्स, जिससे क्या होगा, आरबीसी कम बनेगी तो होगा हमारी बॉडी में लो ऑक्सीजन कैपेसिटी, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी कम होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, और प्लेटलेट्स अगर कम होगा तो होगा बॉडी में प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग। तो अगर है लो बोन मैरो इंडेक्स तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और होगा प्रॉब्लम इन प्रॉपर क्लॉटिंग। अगर ये नॉर्मल है, बेहतर है, तो हमारा रहेगा शानदार इम्यून सिस्टम। चौथा जो टेस्ट है वो है स्प्लीन इंडेक्स। और अगर बात करें हम स्प्लीन का, तो स्प्लीन पाई जाती है हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, जो हमारा पेट होता है, पेट के लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन। और स्प्लीन का जो रोल है, इसका होता है डबल फंक्शन, डबल रोल। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी को बनाने में हेल्प करती है, उसके अलावा ये होता है इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें हम आरबीसी का, स्प्लीन क्या करता है आरबीसी के लिए, सबसे पहले ये आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, यानी जो आरबीसीज पुरानी हो गई हैं उनको तोड़ेगा, और तोड़ के आयरन को अब्सॉर्ब करेगा, ब्लड को रिजर्व करेगा और बनाएगा नई आरबीसीज। यानी अगर स्प्लीन इंडेक्स कम होगा तो आरबीसी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगा, एचबी लेवल डाउन रहेगा और होगा बॉडी में बहुत सारा कमजोरियां। उसके अलावा आरबीसीज क्या करते हैं, ये स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन बनाता है हमारी इम्यूनिटी को और बेहतर और मजबूत, क्योंकि स्प्लीन में बनती है एंटीबॉडीज। जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है उसकी सरफेस पे होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो कहलाते हैं एंटीजन, और उन एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडीज, और वो क्या करती है, उस पर अटैक करती है और उसको कर देती है न्यूट्रलाइज, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो स्प्लीन हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो स्प्लीन इंडेक्स अगर कम होगा तो आरबीसीज में प्रॉब्लम आएगा और होगा लो इम्यून सिस्टम। अगर ये बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो मतलब हमारी आरबीसीज का हेल्थ अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ होगा हमारा शानदार इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट है वो है थाइमस इंडेक्स। और अगर बात करें थाइमस का, थाइमस है अगेन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। ये बनाता है टी सेल, थाइमस डिराइव्ड सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इम्यूनिटी के लिए। अगर थाइमस सिक्रेशन कम होगा, इंडेक्स कम होगा, तो बनेगी लो इम्यून सेल, उससे होगा हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम। अगर ये ज्यादा होगा तो होगी बेहतर इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो ये इसका जो दूसरा नाम होता है, कॉमन नेम, वो होता है एंटीबॉडीज। ये बताता है कि हमारी बॉडी में लेवल ऑफ एंटीबॉडीज कैसा हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कम होंगी तो क्या होगा, कोई भी इंफेक्शन हमें होगा तो उससे लड़ने में, ठीक करने में हमें लगेगा ज्यादा टाइम और इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर लेवल ऑफ एंटीबॉडीज ज्यादा है, बेहतर है, तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर बाई चांस हो भी गया तो होगा बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन रिकवरी। जैसे बात करें एंटीबॉडीज का, हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लगातार हो रहा है वैक्सीनेशन। तो जब भी किसी इंसान को लगता है कोई भी वैक्सीन, उस वैक्सीन से क्या होता है, उससे बॉडी बनती है ज्यादा एंटीबॉडीज, ताकि हो बेहतर इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडीज कम होंगी तो होगा लो इम्यून सिस्टम, अगर ज्यादा होंगी तो होगा हाई इम्यून सिस्टम, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, हम इन्फेक्शन से बचे रहे, और अगर हो जाए तो उसका हम करें शानदार मुकाबला। तो अगर बात करें एंटीबॉडीज का, तो एंटीबॉडीज होती है वाई शेप, उसका शेप होता है वाई, और इसका जो वाई का ऊपर कोना होता है वहां पे होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज का काम करते हैं। क्या करते हैं, एंटीजन के प्रोटीन को करते हैं न्यूट्रलाइज और कर देते हैं इन्फेक्शन को खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेस्ट है वो है रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स। ये टेस्ट बताएगा कि हमारा रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कैसा हो सकता है। अगर किसी का रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स कम होगा, डाउन होगा, तो उसको क्या होगा, बार बार होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन, जैसे गले में प्रॉब्लम, नाकों में प्रॉब्लम, या सर्दी, जुखाम,
सांस लेने में समस्याएं, ब्रोंकाइटिस, ये सब होगा। अगर होगा लो रेस्पिरेटरी इम्यून इंडेक्स, अगर ये ज्यादा होगा, बेहतर होगा, तो हमारा जो भी रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, हमें बार बार कॉमन कफ कोल्ड फीवर नहीं होगा और हमारे लंग्स रहेंगे बिल्कुल हेल्दी। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इम्यून इंडेक्स, यानी हमारे पेट का और आंतों का इम्यूनिटी कैसा होगा। और अगर आपको याद हो डे टू हमने डिस्कस किया था कि हमारा पेट जो होता है उसमें जो होती है बड़ी आंतें, उसमें होता है प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर बेटर इम्यून सिस्टम। तो अगर किसी के बड़ी आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया कम होंगे, प्रोबायोटिक्स कम होंगे, तो होगा कमजोर पेट का आंतों का इम्यूनिटी। उससे क्या होगा, बार बार पेट में आंतों में इन्फेक्शन होगा और होंगी बहुत सारी परेशानियां। तो अगर ये फंक्शन डाउन है तो हो सकता है बार बार पेट में आंतों में इन्फेक्शन या लिवर में इन्फेक्शन। अगर ये बेहतर है, ज्यादा है, अच्छा है, तो हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारा लिवर रहेगा हेल्दी, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होंगे बहुत ही कम। और लास्ट में जो है टेस्ट वो है म्यूकोसा इम्यून इंडेक्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस का इम्यून इंडेक्स कैसा है। अगर बात करें म्यूकस का, तो म्यूकस एक वो शानदार सिस्टम हमारी बॉडी का जो बचाता है हमें फर्दर इन्फेक्शन से। जैसे किसी को होती है खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो उसको आता है ज्यादा बलगम, बलगम मतलब म्यूकस। वो क्यों आता है, क्योंकि म्यूकस क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में हुआ है इन्फेक्शन, उसमें जो बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, उनको करता है एंगल्फ, उनको पकड़ लेता है और पकड़ के निकालता है बॉडी से बाहर। तो किसी का म्यूकोसा इम्यून इंडेक्स अगर कमजोर होगा तो उसको होगा बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन। अगर ये बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो होगा शानदार रिकवरी और जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेगा। तो ये है ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पे अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास है बहुत सारे सप्लीमेंट, जैसे आप देख सकते हैं इम्यूनर टैबलेट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में बने ज्यादा एंटीबॉडीज, ताकि आपका बेहतर इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज बढ़ाने में हेल्प करता है इम्यूनोरिच या काउ कोलेस्ट्रॉम, या आप दे सकते हैं स्पिरुलिना कैप्सूल, क्योंकि उसके अंदर होता है GLA, गामा लुनेनिक एसिड, जो बढ़ाता है लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन अवर ब्लड। तो इसके लिए आप दे सकते हैं ये चीजें। उसके अलावा आप दे सकते हैं नोनी जूस, हिमालयन बेरी जूस, अकाई बेरी जूस, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, उसके अलावा गेंड्रोना प्लस टैबलेट, बहुत सारे हमारे पास आते हैं इम्यूनो बूस्टिंग एजेंट, वो आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं और पा सकते हैं शानदार इम्यून सिस्टम। उसके अलावा अगर बात करें इम्यूनिटी के लिए, तो आप दे सकते हैं स्वासरी सिरप, क्योंकि अगर बात करें स्वासरी सिरप का, तो उसमें होता है ट्रिपल एक्शन, वो इन्फेक्शन को खत्म करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है और होती है शानदार एंटीबायोटिक। उसके अलावा अगर बजट है तो यू कैन अफोर्ड सिल्वर प्लस टू गेट मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है आई फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और ये रिपोर्ट कार्ड में बताएगा कि हमारी आईज का, हमारी आंखों का फंक्शन कैसा हो सकता है। और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर क्या होता है, होते हैं बहुत सारे आईज में प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें आई फंक्शंस का, तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है ऑर्बिक्युलरिस मसल हाइपरट्रॉफी। मसल्स हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी मतलब एक्टिविटी। यानी अगर हम बात करें आंखों का, जब आंखों के अंदर जो मसल्स होती है उसका हो जाए ओवर डिपेंडेंट, जो हमारी आईलिड्स होती हैं, जो पलक होती है, उनको झपकाने में अगर मसल्स को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े, ज्यादा काम करना पड़े, वो कहलाता है ऑर्बिक्युलरिस मसल हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी आंखों के आसपास मसल्स होती है उनका जो एक्टिविटीज है, एक्शन है या फंक्शन है, वो बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं ओवर डिपेंडेंट ऑफ मसल टू क्लोज द आईलिड। आईलिड को बंद करने के लिए मसल को करना पड़ेगा ज्यादा काम। और अगर बात करें हम सप्लीमेंट्स का, तो ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके, इसका एक ही समाधान है और वो है बटोक्स इंजेक्शन। दूसरा जो टेस्ट है आईज में वो है कोलेजन रिंकल आई, यानी ये क्या इंडिकेट करेगा
कि अगर हमारे आंखों के आसपास जो आई रीजन है, इस रीजन में अगर होगा कम रिंकल्स, कम कोलेजन की मात्रा, तो क्या होगा? बढ़ेंगे रिंकल्स। तो कोलेजन की कमी से जब हो जाते हैं रिंकल्स अराउंड आई, वो कहलाते हैं कोलेजन रिंकल्स आई। तो इससे क्या होगा? आंखों के आसपास होगा फाइन लाइनिंग, झुर्रियां ज्यादा पड़ेंगी, वो कहलाएगा कोलेजन रिंकल आई। जितना ये कम होगा उतना बेहतर हमारा आईज का हेल्थ, आईज का शेप अच्छा रहेगा। अगर ये ज्यादा होगा, बड़ा हुआ आएगा, तो हो सकता है आपको ज्यादा आईज में रिंकल्स का प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं क्या आपकी आंखों के आस जो रिंकल है वो ना हो, आपका आईज शानदार है, उसके लिए आप यूज कीजिए आंवला कैप्सूल, जो जिससे मिलता है आपको विटामिन सी, विटामिन सी का टैबलेट। उसके अलावा ट्रिपल स्टेम सेल एक शानदार सप्लीमेंट है जो कोलेजन को बनाने में हेल्प करेगा और रिड्यूस करेगा रिंकल्स को। उसके अलावा आप दे सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस और हिमालयन बेरी जूस, ताकि हो कम रिंकल्स अराउंड द आईज। तीसरा जो टेस्ट है वो है स्किन पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले सर्कल बनना, और इसका जो मेन रीजन है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी भी बॉडी के अंदर होगा मिनरल्स का, विटामिन्स का लेवल कम, तो उसमें होंगे ज्यादा चांसेस ऑफ हैविंग डार्क सर्कल। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होते हैं बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खास तौर पे आयरन का और कैल्शियम का, विच में लीड्स टू डार्क सर्कल। तो किसी भी को अगर है डार्क सर्कल का प्रॉब्लम, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी मल्टी विटामिन, जैसे डेली प्लस टैबलेट या अकाई बेरी जूस, हिमालयन बेरी जूस, नोनी जूस, या कोई भी मल्टी विटामिन जैसे स्पेलिना। अगर आप ये रिकमेंड करते हैं तो जो आंखों के नीचे रिंकल्स होते हैं, कालापन आता है, वो कम होगा और मिलेगा शानदार आईज हेल्थ। चौथा जो टेस्ट है ये है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी आईज का। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी लिम्स के फंक्शन में हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, तो इससे क्या होगा? जो भी लिम्फ है उनमें जब होगा श्रिंकेज या ब्लॉकेज, तो उसका जो फंक्शन है वो प्रभावित होगा। और जब भी आंखों के आसपास, आंखों के अंदर लिम्फ में होता है ब्लॉकेज, लिम्फ वेसल टूट जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कि आंखों के अंदर कई बार में दिखता है लाल लाल कलर की अलग अलग धारियां, अलग अलग लाइनें, वो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। यानी जो हमारा आईज रीजन है, आईज के अंदर अगर लिम्फ वेसल्स में ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होगा, वो टूटेंगी, तो उससे होगा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो उससे क्या हो सकता है? आंखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं और आंखों का जो फंक्शन है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो अगर हम बात करें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, जब भी होगा लिम्फ के अंदर ब्लॉकेज, वो लिम्फ टूटेंगी, वेसल्स टूटेंगी, तो उससे आएगा उसके नॉर्मल फ्लश आउट में, बाहर निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। उससे क्या होगा? हमारी आंखों के अंदर दिखेंगे हमें लाल लाल लाइने, लाइने लाल लाल सिम्टम, वो कहलाता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो जितना ज्यादा ये होगा उससे उतना ज्यादा होगा हमारी आंखों को नुकसान, उसका फंक्शन प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वह रिलैक्सेशन अंडर द वर्टिकल, यानी वर्टिकल पोजिशन में, वर्टिकली देखने में अगर किसी को आता है प्रॉब्लम, तो वो एक सिम्टम है रिलैक्सेशन अंडर द वर्टिकल। उसमें क्या होता है? जो होता है हमारा रेटिना, उस रेटिना का जो फंक्शन है, अगर वो वर्टिकली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम इशू, तो उससे होता है रिलैक्सेशन अंडर द वर्टिकल। इसमें क्या होता है? ब्लरी विजन आंखों में आता है, धुंधलापन, और खास तौर पे जब हम देखते हैं वर्टिकली, तो उसमें आते हैं इम्प्रॉपर शेप। तो इससे क्या इंडिकेटर है? इंडिकेट करता है कि हमारा जो आईज का विजन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जितना ये ज्यादा होगा उतना प्रॉब्लम हो सकता है हमारे विजन में, जितना कम होगा उतना होगा नॉर्मल आईज का विजन। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एडिमा, और अगर बात करें एडिमा का, तो ये आमतौर पे होता है जब भी हमारी बॉडी में होता है रिटेंशन ऑफ वाटर, तो वो कहलाता है एडिमा। लेकिन अगर बात करें हम आईज का, तो आंखों के अंदर जब कॉर्निया के बाहर अगर हो जाता है जो डिपोजिशन ऑफ फ्लूड, तो वो कहलाता है एडिमा। और जब आंखों में होगा एडिमा, यानी होगा कॉर्निया के आसपास फ्लूड का रिटेंशन, तो क्या होगा? आंखों में भारीपन आएगा, आंखों में स्वेलिंग होगा, और होगा हमारा विजन इम्पेयर्ड, विजन में आएगा बहुत सारी प्रॉब्लम। तो अगर एडिमा कम है तो आईज का हेल्थ अच्छा रहेगा, एडिमा ज्यादा है तो हो सकता है आईज में प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आई सेल एक्टिविटीज, यानी
जो भी हमारी आईज की सेल्स है उनका एक्टिविटी, उनका फंक्शन कैसा है। अगर ये फंक्शन डाउन होगा तो हमारी आई साइट में प्रॉब्लम आ सकता है, आईज का हेल्थ इंपेयर्ड हो सकता है। अगर ये ज्यादा होगा और आईज विल रिमेन हेल्दी। और लास्ट में विजुअल फटीग, यानी विजुअल मतलब देखने में फटीग। और ये कब होता है, जब भी कोई इंसान किसी काम पे करता है ज्यादा फोकस, या करता है ज्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल, या करता है लॉन्ग टाइम तक ड्राइविंग, या जब आंखों में जाती है धूल मिट्टी या पोल्यूशन, तो उससे होता है विजुअल फटीग, आंखों में होती है थकान भारीपन। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा आई ड्रॉप। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आईज का हेल्थ बेहतर हो, आपकी आई साइट इंप्रूव हो, उसमें कोई लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सबसे पहला सप्लीमेंट वो है विजन केयर। और विजन केयर के साथ साथ आप ले अकाई जूस, क्योंकि अकाई के अंदर होते हैं बहुत बेहतर मात्रा में विटामिन मिनरल और एंटी ऑक्सीडेंट। प्लस अगर बात करें अकाई जूस का, तो अकाई में होती एक बहुत शानदार हर्ब जिसका नाम होता है बिलबेरी। और बिलबेरी है एक बहुत शानदार सप्लीमेंट जो हमारे विजन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा आप लें ओमेगा 3 कैप्सूल, ताकि आंखों के आसपास जो ब्लड का फ्लो है वो बेहतर बना रहे। और अगर आप ऐड कर देते हैं न्यूरो हेल्थ ड्रॉप या न्यूरो हेल्थ टैबलेट, तो आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट इन योर आईज प्रॉब्लम। तो कोई भी आईज प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप दे सकते हैं विजन केयर, ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, अकाई जूस और न्यूरो हेल्थ ड्रॉप या न्यूरो हेल्थ टैबलेट, जिससे आपका जो आंखों का विजन है वो बेहतर होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, रिंकल्स नहीं होंगे और आपकी आई साइट होगी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट हमें मिलता है उसके तरफ हम बढ़े, तो वो है पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, यानी हमारे हार्ट की और ब्रेन की जो पल्स है वो कैसा काम कर रही है। और सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो जो पहला टेस्ट मिलता है हमें वो है स्ट्रोक इंडेक्स और स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों सेम है, दीज आर एग्जैक्टली सेम, बस डिफरेंस क्या है, एक है इंडेक्स मतलब उसकी उसका लेवल, उसकी परसेंटेज, और एक है वॉल्यूम उसकी मात्रा। तो अगर बात करें स्ट्रोक इंडेक्स या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो जब हमारा हार्ट का जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल जब एक बार करता है कॉन्ट्रेक्शन, जब एक बार करता है वो बीटिंग, एक बार धड़कता है तो उससे होता है कॉन्ट्रेक्शन। तो एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल जब होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे कितना ब्लड बाहर निकलता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कॉन्ट्रेक्शन में, एक बीटिंग में कितना ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो इससे होगा लो बीपी का प्रॉब्लम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो हो सकता है हाई बीपी का प्रॉब्लम। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल बीपी नॉर्मल, स्ट्रोक वॉल्यूम कम बीपी कम, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है बीपी ज्यादा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और उसको बोलते हैं HPR, हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी हमारे हार्ट में की पेरिफरी में आउटर रीजन्स में अगर ब्लड के फ्लो में आएगा रेजिस्टेंस रुकावट, तो ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि हमें हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम। और जिसका भी होता है हाई हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसमें होता है हाई बीपी का प्रॉब्लम। तो अगर किसी का हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा आता है तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है हाई बीपी का प्रॉब्लम, प्लस हो सकता है हार्ट में हो कम ब्लड का फ्लो, तो हो सकता है उससे प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रोक या प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन पहला सिम्टम आएगा हाई बीपी अगर है हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर कम है तो रहेगा नॉर्मल बीपी। तीसरा जो नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट है वह है ब्लड वेसल इलास्टिसिटी, यानी वो धमनियां जो हमारे खून को कैरी करती हैं आगे लेके जाती हैं उनका लचीलापन कैसा है। अगर हमारी धमनियों का लचीलापन कम होगा तो ब्लड को पास होने में आगे जाने में फेस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस या कठिनाई, तो उससे क्या होगा ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगा और होगा बॉडी में पेन, उसके अलावा होगा स्ट्रेन, खिंचाव महसूस होगा और सीने में भी दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है अगर होगा लो ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। अगर ये कम होगा तो होगा खिंचाव, होगी
परेशानी, अगर ये अच्छा है या ज्यादा है, दैट इज गुड फॉर अवर हार्ट हेल्थ। अगर प्लास्टिसिटी बेहतर रहेगी तो होगा ब्लड का शानदार बेहतरीन फ्लो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, उसका फंक्शन बीटिंग रहेगा बिल्कुल नॉर्मल और पूरी बॉडी में रहेगा ब्लड का शानदार फ्लो। अगर ये होगा ज्यादा, अगर होगा कम तो हो सकता है प्रॉब्लम, स्ट्रेन, खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। और आगे के जो तीन टेस्ट है वो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। देखिए क्या है, सेरिबो वैस्कुलर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। और अगर बात करें वर्ड्स का तो पहला वर्ड है सेरिबो, मतलब जुड़ा है हमारे ब्रेन से, वैस्कुलर मतलब हमारी धमनियां, ब्लड खून ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी हमारे दिमाग में जो धमनियां खून लेके जाती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन, ऑक्सीजन की संतृप्ति मात्रा कितनी है। और अगर बात करें ऑक्सीजन सैचुरेशन का तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है जो डिफाइन करता है हमारी हार्ट की हेल्थ को। तो अगर बात करें व्हाट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो समझिए बहुत सिंपल है, हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, जितना हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन की मात्रा को, अगर उसको हम डिवाइड करें उस हीमोग्लोबिन से जो कैरी नहीं करता ऑक्सीजन को, तो वह कहलाता है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉट कैरिंग ऑक्सीजन, वो कहलाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। और जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन उतना बेहतर होगा हमारा हेल्थ, उतना बेहतर करेगा हमारा हार्ट या बॉडी फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा होगा मतलब हमारी बॉडी में है ज्यादा HB, ज्यादा हीमोग्लोबिन जो करता है ब्लड को कैरी, तो हमें पूरी बॉडी मिलेगा शानदार मात्रा में ऑक्सीजन, लेकिन अगर ये कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला है सेरिबो वैस्कुलर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी जो भी धमनियां हमारे दिमाग में खून लेके जाती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, अगर वो बेहतर होगी तो रहेगा शानदार ब्रेन फंक्शन, अगर कम होगा तो होएगा हमारा लो मेमोरी, लो फोकस, और होगा हमें बार बार सर में दर्द या होगा प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन। दूसरा है सेरिबो वैस्कुलर ब्लड ऑक्सीजन वॉल्यूम, यानी उसकी वॉल्यूम मात्रा, अगर मात्रा ज्यादा होगी इसमें होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड तो हमारा ब्रेन हेल्थ रहेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, अगर कम होगा तो अगेन हेडेक होगा, माइग्रेन होगा और होगा लो मेमोरी। और लास्ट है सेरिबो वैस्कुलर ब्लड ऑक्सीजन प्रेशर, यानी किस प्रेशर से, किस भाव से वहां पे पहुंचेगा ऑक्सीजन और ब्लड, अगर ये बेहतर होगा अच्छा होगा तो होगा ब्रेन में शानदार ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई, होगी ब्रेन के शानदार हेल्थ, अगर कम होगा तो होगा ब्रेन में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेस्ट विच इज द पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है ब्लड की सप्लाई में, स्ट्रोक वॉल्यूम में, बीपी में या हार्ट के इलास्टिसिटी में, उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे सबसे पहले आप दीजिए हार्ट केयर टैबलेट, उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल, और बढ़ाने के लिए लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड आप दे सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन रिजल्ट। प्लस आप ऐड कर सकते हैं अकाई बेरी जूस, क्योंकि वो भी हेल्प करेगा टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये है हमारा पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, सॉल्यूशन है हार्ट केयर, ओमेगा 3 कैप्सूल, हिमालयन बेरी एंड अकाई बेरी जूस। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट को, जो है हमारा ब्लड लिपिड प्रोफाइल, या कहें हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर लिपिड्स की या फैट की मात्रा कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड विस्कोसिटी, यानी खून के अंदर गाढ़ापन, और खून के अंदर अगर गाढ़ापन ज्यादा होगा तो होगा प्रॉब्लम इन द ब्लड फ्लो, तो उससे क्या होगा बीपी फ्लक्चुएट होगा, बीपी अप एंड डाउन हो सकता है, और खून अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो और बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हो सकता है ब्लॉकेज, हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम। अगर ब्लड में विस्कोसिटी कम है, गाढ़ापन कम है, दैट इज गुड फॉर अवर हार्ट हेल्थ, उससे क्या होगा अगर खून में गाढ़ापन कम है तो ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहेगा, हेल्दी रहेगा और हमारा हार्ट का फंक्शन भी रहेगा बिल्कुल हेल्दी। तीसरा दूसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, और ये
टोटल मतलब टोटल जिसमें आता है तीन चीजें HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड, तीनों को मिला के बनता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो अगर बॉडी में हमारे ब्लड में होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई तो इससे हो सकता है हमें प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, प्लेक फॉर्मेशन हो सकता है और हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेज जिससे हमारी बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर सकते हैं। तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक साइन, अगर कम है मींस आवर हार्ट हेल्थ विल बी हेल्दी। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है ट्राइग्लिसराइड, यानी हमारे ब्लड के अंदर कितना लेवल है ट्राइग्लिसराइड का। अगर ये बात करें ट्राइग्लिसराइड का तो क्या होती है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में जो भी होता है फैट का मेटाबॉलिज्म, तो हमारी बॉडी बनता है उससे फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड जिसको हमारी बॉडी यूज नहीं करती फॉर एनर्जी फंक्शन, वो हमारी बॉडी में होते हैं स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ताकि जब हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी उससे एनर्जी बना सके। लेकिन अगर हमारे ब्लड में हो जाए हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड तो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड का फ्लू है जो आर्टरीज हैं उनमें आएगा हार्डनिंग, आर्टरीज हो जाएंगी कठोर, उनमें बनेगा प्लेक का फॉर्मेशन और होगा हार्ट का प्रॉब्लम। तो अगर है हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड तो हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, अगर कम है तो रहेगा नॉर्मल हार्ट फंक्शन, नॉर्मल बीपी। फिर आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं HDL और इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये कम होगा तो हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो होगा प्रॉब्लम इन ओवर हार्ट फंक्शन, प्लस हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेक और हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ बीपी। फिर है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज्यादा है तो होगा हमारा नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट का जो फूड है, भोजन है, वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर हमारे हार्ट को मिलेगा कम LDL तो उसको एनर्जी कम मिलेगा और उससे उसका फंक्शन प्रभावित हो सकता है। तो LDL कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, LDL ज्यादा होगा तो रहेगा हमारा नॉर्मल हेल्दी फंक्शन। नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ है न्यूट्रल फैट, यानी हमारी बॉडी में जब फैट का होता है मेटाबॉलिज्म तो उससे जो फैट बचती है और वो फैट जाके अगर बात करें हम थाइज रीजन में या हमारे हिप्स में एक्युमुलेट हो जाता है तो कहलाता है न्यूट्रल फैट। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी को मिलता है इंसुलेशन, मिलता है टेम्परेचर से लड़ने की क्षमता। लेकिन अगर ये न्यूट्रल फैट बॉडी में बढ़ जाए तो इससे भी हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट में आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और वो है सर्कुलेटरी इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं CIC, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है समझिए, जब भी हमारी बॉडी में होता है कोई भी इंफेक्शन तो उससे लड़ने के लिए बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज, क्योंकि जो भी होते हैं पैथोजन उनमें होते हैं एंटीजन और हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं एंटीबॉडीज। तो जब एंटीजन एंटीबॉडीज मिलते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर हो सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम में हो ज्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब द कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। जिसको होगा ब्लड इन्फेक्शन उसको होगा हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, अगर ये कम है मतलब हमारे ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी के ब्लड में होता है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स तो इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है कैंसर का भी प्रॉब्लम, और खासकर हो सकता है ब्लड कैंसर का इशू अगर इसका लेवल हो बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर वैसे ज्यादा है तो इंडिकेट करेगा कि ब्लड में हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन, अगर कम है तो होगा नॉर्मल ब्लड का हेल्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ब्लड लिपिड। तो अगर बॉडी में है लिपिड की ज्यादा मात्रा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, खून में गाढ़ापन ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप देंगे हार्ट केयर, साथ में कोलेस्ट्रॉल केयर और ओमेगा 3 कैप्सूल, ये तीनों चीजें मिलके देंगी हमें शानदार लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उनको बनाएंगी पतला ताकि हमारा हार्ट का फंक्शन रहे हेल्दी, प्लेक फॉर्मेशन ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो उसके लिए आप यूज करेंगे हार्ट केयर,
कोलेस्ट्रॉल केयर और ओमेगा 3 कैप्सूल। नेक्स्ट जो